हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अकैडमिक आइल्स के टास्क वन की एज़ पार्ट ऑफ योर टास्क वन यू आर गिवन अ नंबर ऑफ़ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस दीज विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स मतलब इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को आपने पढ़ना है एनालाइज करना है इंटरप्रेट करना है इनके मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उन मेन फीचर्स को अपने शब्दों में एक पैराग्राफ बना के लिखना है आपको मिलते हैं बीस मिनट वन फिफ्टी लिखने के लिए एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन वन फिफ्टी में सिर्फ वो ही इन्फॉर्मेशन लिखें जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको जो ग्राफ दिया गया है या जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसके साथ में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं अपने टास्क को अचीव कर रहे हैं जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा बैंड मिलेगा एज़ पार्ट ऑफ योर टास्क वन इन अकेडमिक आइड्स लेकिन ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम एक ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं उसके मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आई हैव सम डिफरेंट ग्राफ्स फॉर यू उन सारे डिफरेंट ग्राफ्स को विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को हम देखेंगे पढ़ेंगे एनालाइज़ करेंगे और इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक ट्रेंड एनालिसिस ग्राफ है ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि पिछले कुछ सालों में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या क्या चेंजेस आए हैं उस ट्रेंड को जब हम एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं तो उसको हम ट्रेंड एनालिसिस ग्राफ़ कह देते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर नीचे दैट इज़ एक्स एक्सिस यहाँ पर कुछ साल लिखे हुए हैं 2000 से 2010 तक वहीं पर वाई एक्सेस पे ईयरली इनकम लिखी है जो ज़ीरो से शुरू होती है बीस हज़ार चालीस हज़ार एंड इट गोज़ अप टू वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं बर्नीस पंस लवली लोव्स रॉबिस बेकरी उन तीनों को अलग अलग तरीके से ग्राफ पे प्लॉट किया गया है तो अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं द ग्राफ शोज डेटा अबाउट द एनुअल अर्निंग्स ऑफ थ्री बेकरीज इन लंडन बिटवीन टू थाउजेंड टू थाउजेंड टेन समराइज द इंफॉर्मेशन बाई सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स वेयर रेलिवेंट सबसे पहले तो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट मेन फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं तो मेन फीचर्स क्या हैं ऑब्वियसली बर्नीज बन लवली लोव्स एंड रॉबीज बेकरी उसके बाद मेन फीचर्स क्या है दो हजार से शुरू होकर दो हजार दस तक मतलब के टेन इयर्स और उनका मिड पॉइंट क्या होगा टू थाउजेंड फाइव उसके बाद ईयरली इनकम का मिड पॉइंट होगा समवेयर अराउंड हियर दैट इज सिक्सटी थाउजेंड एंड द हाई पॉइंट विल बी वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा मेन फीचर है हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे ये है ये है रेड लाइन रेड लाइन रिप्रेजेंट्स रॉबीज़ बेकरी तो रॉबीज बेकरी ने दो हजार दस में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया एंड इट अर्न अ इनकम ऑफ मोर देन वन लाख रुपीज एंड रिमेंबर दिस इज एनुअल इनकम उसके बाद लोएस्ट पॉइंट देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट के बाद विच स्टार्ट्स फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड दैट वॉज इन टू थाउजेंड और ये लाइन है ग्रीन कलर की ग्रीन कलर का कोड है बर्नीज़ बन मतलब बर्नीज़ बन ने दो हज़ार में बीस हज़ार रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके बाद मेन फीचर आप ये वाली लाइन देखिए किस तरह से ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है फ्रीक्वेंसी में तो ये हमारा मेन फीचर हो जाता है तो देखते हैं रेड लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रॉबीज़ बेकरी रॉबीज़ बेकरी ने 2000 से लेकर 2005 तक एक पर्टिकुलर इनकम ही कमाई है विच इज़ अ लिटिल बिलो दैन सिक्सटी थाउजेंड अराउंड फिफ्टी एट थाउजेंड अगर हम इसको मान लें सो दिस इज़ वॉट बर्नीज़ इज बन अर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स ये भी हमारा मेन फीचर है अब बात करते हैं कंपेरिजन की तो कंपेरिजन में यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके लिए कलर चेंज कर देती हूँ ये देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास ये पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारी हेल्प करेंगे कंपेरिजन ड्रॉ करने में तो इनको प्लॉट करते हैं दिस इज समवेयर बिटवीन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड सिक्स एंड दिस इज समवेयर बिटवीन टू थाउजेंड सेवन एंड टू थाउजेंड एट दिस इनकम इज बिलो सिक्सटी थाउजेंड एंड बिटवीन फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड तो ये कौन से पॉइंट्स हैं ब्लू एंड रेड की इंटरसेक्शन है 2006 पे एंड दिस इज़ बिटवीन लवली लोव्स एंड रॉबीज बेकरी मतलब इन दोनों कंपनीज़ ने इस पर्टिकुलर साल में एक ही इनकम कमाई थी एक ही टाइम पर उसी तरह ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन दैट इज़ बर्नीज बंस एंड लवली लोव्स ने 2007 और 8 के बीच में एक ही इनकम कमाई थी दैट इज़ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ एट द सेम टाइम सो दिस इज़ हाउ यू मेक कम्पेरिजन इसके अलावा आप एक और तरह का कंपेरिजन कर सकते हैं जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया कि 2000 से लेके 2005 तक रॉबीज बेकरी ने एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस किया तो यहाँ पर दिस इज द ग्राफ दैट वी हैव प्लॉटेड लेकिन ब्लू लाइन देखते हैं ब्लू लाइन बिलोंग्स टू लवली लोव्स उन्होंने 2000 से 2005 के बीच में अलग अलग इनकम्स कमाई जो हाँ यहाँ पर हमारे लिए प्लॉट की गई हैं तो अगर हम इस पर्टिकुलर पीरियड में इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है इन पाँच साल का ये एक तरीका है कंपेरिजन्स को रीड करने का लेकिन हमारे लिए कौन सा कंपेरिजन रेलिवेंट है कि कब कब पार्टीज़ के बीच में इंटरसेक्शन हुआ या फिर यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल ही स्टैगनेंट है एक पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ वहीं पर दूसरी कंपनी ने किस तरह की ग्रोथ शो करी सो दिस इज़ हाउ यू रियलाइज एंड आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट मेन फीचर्स इन अ पर्टिकुलर विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है एक पाई चार्ट पाई चार्ट और ग्राफ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता सिर्फ इन्फॉर्मेशन को uh, हमें कम्युनिकेट करने का मेथड डिफरेंट है लेकिन जो बात की जा रही है वो सेम ही होती है तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं इन कोड्स को हमने स्पाइस चार्ट में लोकेट करना है एंड फिर परसेंटेज चेक करनी है तो एक स्कूल के पर्टिक एक पर्टिकुलर स्कूल के लड़कों से पूछा गया कि उनका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा ग्राफ है दैट इज़ थर्टी परसेंट अब इसी कलर को हम यहाँ पर लोकेट करेंगे थर्टी परसेंट मतलब कि ग्रे कलर एंड दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन मतलब तीस परसेंट लड़कों ने कहा कि उनका फेवरेट स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन है उसी तरह लोएस्ट देखते हैं लोएस्ट दो है और इन दोनों कलर्स को देखते हैं स्किन कलर एंड ब्राउन कलर ये यहाँ पर है तो देखिए दो दो परसेंट लड़कों ने कहा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है या फिर कुछ और उसी तरह जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो है रेड कलर रेड कलर देखते हैं इट बिलोंग्स टू साइंस तो पच्चीस परसेंट लड़कों ने कहा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस सो दिस इज हाउ यू रीड अ पाई चार्ट लेट्स प्रैक्टिस वन मोर विजुअल रिप्रेजेंटेशन सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक मैप है मैप भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है अगर हम एक मैप को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन पॉइंट्स मिलते हैं डेटा मिलता है तो उसी डेटा को यूज़ कर कर हम अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ बिल्ड करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं ओके okay, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं द मैप्स बिलो शो चेंजेस इन द स्पेनिश सिटी ऑफ कैस्टिलॉन इन रीसेंट टाइम्स समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर रेलिवेंट तो सबसे पहले तो कंपेरिजन से शुरू करते हैं ये देखिए हमारे पास दो अलग टाइम लाइन्स के मैप्स दिए गए हैं कैस्टिलियन सिटी के पहला है टू थाउजेंड का और दूसरा है आज का यहाँ पर आप एक काम कीजिए जब भी आप मैप पढ़ते हैं आप उसको डिवाइड कर दीजिए कोस्ट लाइन के साथ मतलब ये जो है ये कोस्ट लाइन है यहाँ पर पोर्ट है पोर्ट का जो पोर्शन है वो सड़क से पहले है सड़क के पार सिटी सेंटर है सिटी सेंटर के एडजेसेंट एक एरिया है और साथ ही ट्रेन स्टेशन के एडजेसेंट या फिर एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द मैप वहाँ पर भी एक एरिया है जहाँ पर हमको यूनिवर्सिटी दिख रही है सो दिस इज़ हाउ यू डिवाइड स्टार्ट डिवाइडिंग योर मैप हमने पानी के एरिया से शुरू किया और हम दूसरे एक्सट्रीम एंड तक पहुँचे सिटी सेंटर के साथ जो जगह है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट टू सिटी सेंटर तो अब इसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले जो एक्सट्रीम एंड है वहाँ पर यूनिवर्सिटी बिल्कुल इंटैक्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है न्यू शॉपिंग सेंटर बन गया है ट्रीज की जगह एक नया हॉल ऑफ रेजिडेंस बन गया है तो जो हमारा सिटी सेंटर के एडजेसेंट एरिया है वहाँ पर एक न्यू ट्रेन स्टेशन बन गया है उसी के साथ सिटी सेंटर को बाइक रेंटल स्कीम के लिए भी कन्वर्ट कर दिया गया है जो सिटी सेंटर है उसके बिल्कुल साथ में जस्ट अलोंग साइडेड हमें एक न्यू कवर्ड मार्केट भी दिखती है एंड पोर्ट की बात करें तो पोर्ट के एरिया में हमारे लिए सिनेमा भी बना दिया गया है बार्स एंड क्लब्स भी बना दिए गए हैं सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर योर मैप जब आप अपने मैप को डिफ़रेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसको रीड करना इंटरप्रेट करना कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा अब यहाँ पर मेन फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी शहर होता है उसकी जान होती है उसका शॉपिंग एरिया मेन एरिया या फिर कोई गार्डन एरिया तो यहाँ पर जो मेन एरिया है हमें दिख रहा है वो या तो यूनिवर्सिटी हो सकती है जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी बोलते हैं चंडीगढ़ में रहते हैं तो रोज़ गार्डन बोलते हैं तो उसी तरह यहाँ पे एक सिटी सेंटर है और एक यूनिवर्सिटी है तो ये जो आपको एरियाज़ यूनिवर्सिटी का और सिटी सेंटर का नज़र आ रहा है ये आपका मेन एरिया है इन फीचर्स को आपने रिपोर्ट करना ही करना है अपने पैराग्राफ में वहीं पर देखिए अगर हम हरी जगह को ख़त्म कर देंगे उसकी जगह कंक्रीट जंगल्स बना देंगे तो सिटी का जो फेस होता है वो ख़राब होता है उसमें अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होती है तो इस वजह से अगर हम किसी जगह से ग्रीन एरिया हटाते हैं तो वो भी एक मेन फीचर हो जाता है साथ ही पोर्ट के एरिया को हम क्लीन रख सकते थे लेकिन आ, सिटी में वहाँ पर सिनेमा बन गया बार्स एंड क्लब्स बन गए तो इस एरिया को भी आप जरूर रिपोर्ट करेंगे अपने पैराग्राफ में तो इसको लेकर हमारे पास ऑलमोस्ट फोर टू फाइव फीचर्स हो गए और वन फिफ्टी वर्ड्स लिखने के लिए इतने फीचर्स काफ़ी होते हैं साथ में हमने कंपैरिजन भी करना है देन मेक श्योर कि आपके जो मेन फीचर्स हैं और जो आपके कम्पेरेटिव फ़ीचर्स हैं उनमें कोई रेपिटेशन नहीं है इससे आप ज़्यादा चीज़ें रिपोर्ट कर पाएंगे सो दिस इज़ हाउ यू कम्प्लीट योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट दैम In the next video, we will sit down and interpret a graph and we will try to write a paragraph on it in 150 words. This will tell you how to achieve your task in writing task one of Academic IELTS. So, till then, stay blessed and I will meet you soon with another video.